ये सीरीज मैंने दो बार देखी है, एक तो तब जब ये सीरीज का हर एपिसोड हर हफ्ते आता था, और एक बार अभी जब मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ इसके कुछ टाइम पहले देखी है। और इसका मैं काफी टाइम से बात करना चाह रहा था, इसका रिव्यू करना चाह रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिला। खैर अब टाइम है तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सपने वर्सेज एवरीवन वेब सीरीज के बारे में। और ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलने वाली है, 5 एपिसोड है इसके अंदर। अब ये मत समझना कि यार इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ये कोई अच्छी सीरीज नहीं होगी, इसका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, इसमें कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आप रुपए देकर कोई भी नेटफ्लिक्स पर या अमेज़न पर सीरीज देखते हो उनमें से काफी सारी ऐसी सीरीज निकलती है जो एक एवरेज होती है या फिर बिलो एवरेज होती है, ये सीरीज तो उनसे काफी ज्यादा बढ़िया है। बात करेंगे कि क्या इसके अंदर अच्छा है, क्या इसके अंदर कमियां है। देखो यार दो बार देखने के बाद भी मैं इसके अंदर बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ, तो वाकई में ये सीरीज दम रखती है। मतलब दूसरी बार भी मैंने कहीं पर भी कुछ भी स्किप नहीं किया था, हर एक डायलॉग अच्छे सुना, हर एक सीन को मैंने अच्छे से देखा है। तो अब बात कर लेते हैं इस सीरीज की कहानी क्या है, क्या हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। देखो इसके अंदर दो लोगों का पर्सपेक्टिव लाइफ जीने का दिखाया है, कि जो इसका नाम है सपने वर्सेस एवरीवन, जो सपनों को पूरा करने के लिए जो दो लोग हैं वो क्या क्या रास्ता अपनाते हैं। भाई एक जो प्रशांत है, जो जिसको सबसे बड़ा एक्टर बनना है, इसके लिए वो कितनी कोशिश कर रहा है, और अपने सपने के लिए एक उम्मीद होती है इंसान के अंदर कि हाँ मैं एक दिन अपने सपने को पूरा कर लूंगा, और उसी उम्मीद में वो जीता भी है। और जो प्रशांत दिखाया गया है जो एकदम सीधा साधा इंसान है, अपने मोरालिटी अपनी एथिक्स के साथ वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देता है, उसकी माँ को कैंसर है, उसको साथ साथ जॉब भी करनी पड़ रही है, बॉस उसका हरामी है, फिर भी इन सब चीजों को झेलते हुए वो अपने सपने को कैसे पूरा करता है। इसके अलावा जो इसके साथ में या फिर अपोजिट में या साथ में किस कुछ भी कह लो, जिमी नाम का एक किरदार और भी है, जो वो काफी ज्यादा धोखेबाज या फिर झूठ बोलने वाला इंसान है, जिसको एथिक्स या मोरलिटी की कुछ भी नहीं पड़ी है, उसको जैसे तैसे रुपए कमाने हैं। लेकिन ये जब दोनों इंसान मिलते हैं, जब आपस में ये जब बातें करते हैं, तो जो केमिस्ट्री बाहर निकल कराती है, तो देखो वो तो मैं यहाँ नहीं बताने वाला, वो जब आप तब आपको तभी पता चलेगा जब आप ये सीरीज देखोगे। और ऑब्वियसली यूट्यूब पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 5 ही एपिसोड है और बहुत बढ़िया है, जब आप देखोगे तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। क्या मैंने अच्छी अच्छी बातों का अभी से जिक्र स्टार्ट कर दिया क्या? कोई ना। तो ये हो गई इसकी कहानी, अब बात करते हैं कि हमें इसके अंदर मतलब अच्छा क्या देखने को मिलता है। तो जो डायलॉग है इस सीरीज के वो A1 बहुत बढ़िया है। जो मुझे इसको मैंने दो बार देखा, दूसरी बार जब देखते वक्त मुझे महसूस हुआ कि यार जो राइटर है डायलॉग जो उन्होंने लिखे हैं वो बहुत मेहनत के साथ लिखे हैं, क्योंकि उनका काफी ज्यादा एक गहरा मीनिंग भी है। काफी सारे सीन ऐसे हैं जिनको आप ध्यान से देखोगे, इवन दो बार देखोगे तब आपको उनका मीनिंग भी समझ में आएगा कि यार यहाँ पर बहुत खूबसूरती से काम किया गया है। और बहुत जबरदस्त जो चीज मुझे इस सीरीज के अंदर लगी कि एक जो प्रशांत का करेक्टर है, जो काफी ज्यादा टैलेंट की परवाह करता है, वो सोचता है कि यार मैं टैलेंट के दम पे आगे निकलूंगा, जो बहुत हार्ड वर्किंग भी है लेकिन किसी के साथ धोखाबाजी नहीं करता, किसी से झूठ भी नहीं बोलता, वहीं एक ऐसा इंसान जिमी जब उसकी लाइफ में आता है जो धोखेबाज है, जो झूठ बोलकर चीजें बेचता है, जब इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है और जब ये बातें करते हैं, इनकी केमिस्ट्री जब बाहर निकल कर आती है, तो वो चीज देखने लायक होती है कि यार लाइफ को जीने का, लाइफ को देखने का इन दोनों का नजरिया क्या है, कि आसपास के लोग कैसे, उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, इस लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है उनको कैसे टैकल किया जाना चाहिए, तो दोनों का एक अलग अलग नजरिया निकल कर आता है। और जो जिमी है उसका एक पर्सपेक्टिव जो हमारे सामने आता है, जो एक हार्श रियलिटी, वाकई में कहूंगा कि यार वो एक सच्चाई है आज की दुनिया की, वो हमारे सामने रखता है। वो कहता है कि कहते हैं ना कि काबिल बनो, काबिलियत तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, एक नाकाबिल इंसान आएगा, उस काबिल इंसान के दो कान पे रखेगा और बोलेगा चल पीछे हट मुझे आगे जाने दे, और वो काबिल इंसान पीछे हट के रह जाता है। तो आप सोचते हो कि ऐसा होता है, ऐसा एक्चुअल में मैंने तो खुद देखा है, मैं आप बीती भी बता सकता हूँ कि देखो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो जब मैं गवर्नमेंट जॉब लगा तो मैंने चीजों को ऐसे देखा कि यार आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक या दो नंबर से रह जाते हो, फिर आप सोचते हो कि यार मैं शायद मेरी मेहनत में कमी रह गई है, मैं मुझे वो जॉब नहीं मिल पाई है। एक्चुअल में आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, आप इसलिए नहीं रह गए कि आपने तैयारी कम की थी, आप रह इसलिए गए क्योंकि आपको रखवा दिया गया, वो पैसा देने वाला कोई करप्ट इंसान आपसे आगे ना जा चुका था, वो नाकाबिल इंसान आपसे आगे जा चुका था। हालांकि मेरे पास ऐसा कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं डेली चीजें देखता हूँ, मेरे सामने चीजें होती हैं, वो लोग आप बीती बताते भी हैं कि उन्होंने क्या दिया, क्या पैसा दिया उन्होंने, और डेली जो मैं चीजें
खैर उनके ऊपर मैं नहीं आना चाहता क्योंकि वो एक वाइड टॉपिक हो जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर बोला गया है कि काबिलियत को लेकर, काबिल इंसान को लेकर, वो कहीं ना कहीं आज की इस दुनिया में वो रखती है वो बातें। हमें तो किसी ने पढ़ा दिया ना, हमने बॉलीवुड मूवी के अंदर देख लिया, अरे काबिल मिलो, काबिलियत जो तुम्हारे पीछे झक मार कर आएगी। एक्चुअल में आप जाकर लाइफ को देख लीजिए, बहुत सारे लोग इस चीज से भी कन्विंस हो जाते हैं, उनको पता है कि वो कितने काबिल हैं, लेकिन बावजूद उनको उन चीज को उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग वो जॉब नहीं मिल पाती, वो सक्सेस नहीं मिल पाती, उनको वो वर्क नहीं मिल पाता है। और एक और डायलॉग है जो स्टार्टिंग के फर्स्ट ही एपिसोड में आता है, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। एक अमीर लड़की जो है वो जिमी को, जो पसीने की उसके अंदर से स्मेल आ रही होती है, तो वो उसको कहती है, अरे तेरे अंदर से तो पसीने की स्मेल आ रही है जैसे मेरे ड्राइवर अंकल से आती है। तो जब जिमी का उसको जवाब होता है कि ये एड्रेनलिन की स्मेल है, ये काम करने वाले लोंडों में से आती है, जो उसी ड्राइवर में से आ रही है, जो उसी लड़की के पिता में से भी आती होगी, क्योंकि वो काम करते हैं, उन लोंडों में से तो नहीं आएगी जो मीठे मीठे लोंडे हैं या फिर जो अमीर जाते हैं जो काम नहीं करते हैं, उनमें से स्मेल नहीं आने वाली। वो मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आया। तो मैंने कहा ना, इसके डायलॉग, इन दोनों लोगों की आपस में जब बातें सुनोगे कि प्रशांत और जिमी का देखने का जो नजरिया है वो बहुत बढ़िया है। मतलब आपस में जब बात करते हैं, एक जंगल के तरीके से इस दुनिया को देखते हैं, एक समाज के तरीके से इस दुनिया को देखते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं ज्यादा बताऊंगा तो फिर स्पॉइलर चला जाएगा। तो अगर हम बात करें इस मूवी में जो परफॉर्मेंस है, जो प्रशांत का जो किरदार है जिसको प्ले किया है परमवीर चिमा जी ने, वो बहुत बढ़िया काम किया है। मतलब काबिलियत तारीफ है, जितना उनके बारे में बोले उतना कम रहेगा। मतलब उनके जो एक्सप्रेशन, उनके जो डायलॉग हैं, वो अभी भी मेरे दिमाग में तो अभी भी वो चीजें चल रही हैं, तभी मुझे वो चीजें याद भी हैं। और इसके अलावा जो जिमी का जो किरदार है जिनको प्ले किया है अम्बरीश वर्मा जी ने, वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। मतलब एज इक्वल जो उनका नजरिया है मूवी इसके अंदर, जो उन्होंने दिखाया है अपना नजरिया, अपना क्या, जो राइटर ने जो नजरिया रखा है वो चीज दिखाया, वो भी बहुत जबरदस्त मुझे लगा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि इन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बाकी सबने भी, जितने भी आप, इवन सिंगल ड्राइवर भी इसके अंदर कोई दिखाया होगा, उसने भी बहुत बढ़िया काम किया है। इसके अंदर जो दो विलन दिखाए गए हैं, दो विलन कौन है जब आप ये देखोगे तब समझ जाओगे, बहुत बढ़िया काम किया उन लोगों ने। मतलब जो एक कुकड़ेजा करके जो प्रॉपर्टी डीलर है, वो तो यार क्या लगे हैं उनके अंदर, जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, बहुत एक शैतान, एक हैवानियत उनके चेहरे से वो झलकती है, बहुत जबरदस्त है। और बैकग्राउंड म्यूजिक जो है इस मूवी का, वो सीन को, कोई भी इंटेंस सीन होता है कोई, इसके अंदर ऑब्वियसली एक डार्क आपको फीलिंग आती है, डिप्रेशन सी फीलिंग आती है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो उसको कहीं ना कहीं और इनहेंस करता है, जो ऑब्वियसली इस मूवी के, इस सीरीज के अकॉर्डिंग तो सूट करता ही है। तो ये हो गई इस सीरीज की अच्छी अच्छी बातें। तो अब बात करते हैं कि मूवी, इस सीरीज के अंदर बार बार मूवी आ रहा है, तो इस सीरीज के अंदर कोई कमियां नहीं है क्या? हाँ कमियां हैं। देखो इसकी कहानी जो है वो मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी। हाँ ठीक है, एवरेज में कहूंगा, एवरेज से ऊपर भी नहीं, एवरेज से कम भी नहीं, हाँ एवरेज है इस मूवी की, फिर से मूवी आ रहा है, इस सीरीज की कहानी। और एक जो केमिस्ट्री हमें जो प्रशांत और जिमी के बीच में देखने को मिल रही थी, वो एंडिंग में जाते जाते वो गुम हो जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है। ऑब्वियसली हमें चाहिए था कि यार उन पे और फोकस हो, उनकी और कन्वर्सेशन हो, उनके और पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आए। एक जो चीज मैं एक पॉजिटिव में बताना भूल गया, अच्छी बातों में बताना भूल गया, जिसके अंदर कहीं कहीं जगह है जो आपको एक रैप भी सुनाई देंगे, वो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया है। तो लास्ट में जाते जाते वो सब चीजें एंड हो रहा होता है इस सीरीज का, तो वो आपको उतना नहीं फील होता कि यार जो आपको इंटरेस्ट बढ़िया फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड में आ रहा था, तो वो फिफ्थ एपिसोड के अंदर, खाली फिफ्थ एपिसोड की बात करूंगा, तो उस फिफ्थ एपिसोड में वो इंटरेस्ट बहुत कम हो चुका होता है। जो एक्सपेक्टेशन हम इससे लेके बैठे हुए होते हैं फिफ्थ एपिसोड से, वो उतनी हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है। और साथ ही साथ जो एंडिंग है, मुझे लगता कि राइटर ने यहां पर कंजूसी रखी है कि यार मुझे जैसे तैसे एंड पे पहुंचना है, एंडिंग जैसे तैसे दिखानी है, तो उन्होंने बिना लॉजिक के वो एंडिंग रख दी है। अगर आपने उसमें लॉजिक लगाया तो डेफिनेटली वो आपको हजम नहीं होगी, आप उसके अंदर बिल्कुल भी मजा मतलब नहीं लेने वाले, कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं जाएगा। उस एंडिंग को लेकर बात करूं तो मेरी तरफ से, तो अगर ओवरऑल इस सीरीज के बारे में बात करें, तो आपको एक बढ़िया डायलॉग, एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वाली, एक एवरेज कहानी के साथ, एक आपको हार्श रियलिटी वाली स्टोरी देखनी है, मतलब सीरीज देखनी है, तो आप इस सीरीज को डेफिनेटली दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो देखो इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10। अगर इसकी एंडिंग पे अच्छे से वर्क किया जाता, डेफिनेटली ये 9 भी डिजर्व करती है, तो इवन 10 भी डिजर्व करती, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर कमियां रह गई है। अगर आप लोगों ने ये सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो किस चीज का वेट कर रहे हो यार, कहीं पर भी आपको जाना नहीं है, यूट्यूब पे जहां ये वीडियो देख रहे हो वहीं पर भी आपको ये सीरीज है वो देखने को मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।